हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिगो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे रस का अस्थाई भाव के परिभाषा पे, अस्थाई भाव का परिभाषा क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे नवरस के अस्थाई भाव के बारे में क्या क्या होता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थाई भाव के बारे में, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं। रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अस्थाई भाव का परिभाषा क्या होता है। तो रस के मूलभूत कारण को अस्थाई भाव कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं नवरस के अस्थाई भाव के बारे में। तो सबसे पहले श्रृंगार रस की बारी आती है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति प्रेम होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य और हंसी होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। विवत्स रस का अस्थाई भाव घृणा होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय आश्चर्य होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। शांत रस का अस्थाई भाव वैराग्य निर्वेद होता है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तर्क के आधार पर ये दो रस को जो बाद में ऐड किए थे, जिसमें से है वात्सल्य रस, इसका अस्थाई भाव वात्सल्य रति होता है, और भक्ति रस का अस्थाई भाव भागवत विषयक रति अनुराग होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जाने अस्थाई भाव के बारे में और नव रस के अस्थाई भाव के बारे में। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आगे भी एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए, आर्ट से संबंधित जानकारी के लिए, आर्टिस्ट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिगो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।